उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवा योजन विभाग सुरेश चंद्रा ने नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखा। नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। साथ ही अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने नगर निगम कैंप कार्यालय पर स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया। इसी क्रम में निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने कहा कि ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर जैसे ट्रैफिक, पुलिस, नगर निगम खुद की सेवाएं सब इंटीग्रेट कर यहीं से कमांड करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से मुरादाबाद के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए ये बहुत बड़ी देन है। इससे बहुत सारी सहूलियत, बहुत सारी सेवाओं से लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने नगर निगम के और भी कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। देखिए भाई, ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर जैसे पुलिस, ट्रैफिक, नगर निगम खुद की सेवाएं सब इंटीग्रेट करके यहीं से कमांड करेंगे, तो मेरी समझ से स्मार्ट सिटी के लिए, मुरादाबाद के लिए बहुत बड़ी देन है और इससे बहुत सारी सहूलियत, बहुत सारी सर्विसेज में उसको बेटर मैनेजमेंट के लिए इजाफा होगा। इसमें सर शहर में सेल्फी पॉइंट है और जगह नगर निगम के कार्य को देखा है आपने? हाँ, नगर निगम अब जस्ट शुरू किया मैंने देखना, ये पहले ही प्रोजेक्ट देख रहे हैं। सेल्फी पॉइंट शहर में बनाए गए हैं सर? हाँ, वो भी एक अच्छा आइडिया है, लोग वहाँ खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं और प्राइड महसूस कर सकते हैं अपने जिले के बारे में, मुरादाबाद के बारे में। गौरतलब है कि अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा के निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त संजय सिंह चौहान, महापौर विनोद अग्रवाल सहित आला नगर निगम के अधिकारी शामिल थे।